मुंबई सांस्कृतिक कला मंच ने इब्रो फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधार में चेंबूर में हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला। इस दौरान सभी क्षेत्रों के कई मान्यवर मौजूद थे। आयोजक बल्लभ झवेरी ने सभी का स्वागत व आभार प्रदर्शन किया। मुंबई से ग्लोबल चक्र न्यूज के लिए कैमरामैन मिलिंद के साथ संध्या श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रवि झवेरी, रवि किशन झवेरी, वल्लभ भाई जो काम कर रहे हैं और ये जो हास्य कवि सम्मेलन किया, जैसा वो कवि ने बताया कि हास्य से रक्त सॉर्ट ऑफ रक्तदान ही है, मतलब रक्त बढ़ने से रक्तदान ही कर रहे हैं, बहुत अच्छा था। मैं सुनीता मल्होत्रा, मैं एक सिंधी टीचर हूँ, यहाँ के स्कूल में चेंबूर स्कूल में पढ़ाती हूँ। ये जो प्रोग्राम है हास्य कवि सम्मेलन, ये बहुत ही रेयर होता है कहीं पे, और हमारे यहाँ तो हर साल, मतलब अभी वल्लभ झवेरी ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, और ये देख के और दूसरों को भी बता के हमें बहुत खुशी हो रही है। हमने देखा और इतना हंसे हैं, और अभी लगता है कि दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिल रही है कि हम लोग भी आगे रखें, और इससे दूसरे नए जो आजकल की न्यू पीढ़ी है उनको भी, न्यू जनरेशन को भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि हम लोग भी कविताएं लिखें। ज़रूरी नहीं है कविताएं सिर्फ दुखी और ये होती है, लेकिन हंसने वाली भी होती है। दुनिया को हंसा रहे हैं, हम लोग तो बहुत हंसे हैं, और ये कार्यक्रम देख के हमें बहुत खुशी हुई। मेरा नाम सीमा भाटिया है। वल्लभ झवेरी भाई ये सालों से प्रोग्राम करते हैं, कवियों को बुलाते हैं, हम लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और बहुत हंसाते हैं। कभी अलग अलग आते हैं और हमको इम्प्रेस मिलता है और अच्छा लगता है, और हम लोग, ये हम लोग का बहुत कम होता है इधर चेंबूर में ऐसा प्रोग्राम। अभी हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा अच्छा होवे, और ऐसे 6 महीने में, 1 साल में होना चाहिए, और हमको बहुत अच्छा आता है और हंसाता है बहुत, और कवि बहुत अच्छा बताते हैं हमको। ये मुंबई सांस्कृतिक कला मंच जो अपना है, और उनके जो सर्वे सर्वा है, वल्लभ झवेरी जी है, सुरेश अमलानी जी है, धर्मेंद्र शर्मा जी है, और उन्होंने बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पे किया था, जो कि था कि एक कवि सम्मेलन। आज देखो, आज साहित्य जैसी चीज़ को अगर आप लोगों तक पहुँचाते हो तो बहुत ये बढ़िया चीज़ मैं मानता हूँ। सब क्षेत्र में लोग आते हैं, करते हैं, लेकिन यहाँ आज देख रहे हो कि एक मंच पे जो कवियों ने आज सादर किया है, बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाली बातें थी, बहुत ही ज़बरदस्त बातें थी, हंसाया था। लेकिन आज एक मैडम आई थी यूपी से, उन्होंने जो आज देशभक्ति के लिए जो एक कविताओं के माध्यम से लोगों को आज एक प्रेरणा दी है, मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम बार बार होने चाहिए। और चेंबूर में आज सिंधी कॉलोनी के अंदर, यहाँ पे कलेक्टर कॉलोनी के अंदर आज थाड़ानी हॉल में ये जो प्रोग्राम हुआ है आज, सच में ये ऐसे प्रोग्राम साहित्य के जो होते हैं या ऐसे 6 महीने में, 1 साल में हमेशा होने चाहिए। और इसके कारण सिब्रो फाउंडेशन जो है और मेरे माध्यम से हमेशा हम साथ में मिलके हाथ जुटाने का काम करेंगे। थैंक यू। आज के कवि सम्मेलन के बारे में क्या कहेंगे? हास्य कवि सम्मेलन आज यहाँ पे आयोजित किया था मुंबई सांस्कृतिक बाल कला मंच की ओर से। हर साल ये कवि सम्मेलन होता है। मैं मन से, हृदय की गहराई से, और उनकी पूरी टीम, धर्मेंद्र भारद्वाज जी है, श्रीनिवास शुक्ला जी है, पूरी जो कार्यकर्ता की पूरी टीम, उनको अभिनंदन करना चाहूँगी कि कोविड की परिस्थिति के बाद आज एक तनावमुक्त वातावरण में इतना हास्य का आनंद लेने के लिए, आप देखिए पूरा यहाँ पे जो कवि को सुनने के लिए आने वाले जो श्रोतागण थे वो कम से कम 2-2.5 घंटा हास्य कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे थे। और सही में, और जो कवि थे यहाँ पे जिन्होंने इस अलग अलग विषय पे स्पर्श करते हुए, समाज को प्रबोधन करते हुए अपना कवि सम्मेलन का प्रकटन किया है, तो हर साल ये कार्यक्रम रहता रहे। और इस कार्यक्रम में आप देखिए युवा से लेके, वरिष्ठ से लेके, सब इस कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे थे। और मैं मुंबई सांस्कृतिक बाल कला मंच का मनपूर्वक आभार भी व्यक्त करना चाहूँगी। समाज में ये साहित्यिक दर्जा का ऐसे कार्यक्रम हर साल उन्होंने करने चाहिए, और करते रह रहे इन्होंने, और अलग अलग लोगों को, अलग अलग कवियों को इस माध्यम से हमें मुलाकात मिलती है उनकी, और उनके हास्य का आनंद हमको लेने को मिलता है। इसलिए मैं मनपूर्वक इस मुंबई सांस्कृतिक बाल कला मंच का आभार व्यक्त करना चाहूँगी और उनको आगे भविष्य के लिए शुभकामना देना चाहूँगी। आज लोगों के बीच में, घरों में और अपने आप को समय देने का टाइम नहीं है,
लेकिन ये कवि सम्मेलन से क्या हो रहा है कि लोगों में अपने आप की जो हंसने की क्षमता है वो बढ़ रही है, लोगों में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इसी के बहाने लोग साथ में आना, परिवारों के साथ में फैमिली का गेट टुगेदर करना, और कवियों के माध्यम से जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो छोटी से ये कविताओं के माध्यम से कह के इतना हल्के में लोग बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं जो लोगों को समझ में भी नहीं आता और अच्छे से इंजॉय करते हैं उसका। काफ़ी अच्छा सम्मेलन था, जैसे कवि बोलते थे लेकिन इंस्पिरेशन ज़्यादा मिला मुझे यहाँ से, बहुत सारा मैसेजेस मिले कविता के रूप में, काफ़ी सारे मैसेजेस मिले जो बहुत आगे तक याद रहेंगे। मैं सुषमा पांडे स्वामी स्कूल की एक्स स्टूडेंट हूँ और ये कवि सम्मेलन बहुत ही अच्छा, मतलब बोलते ना एकदम दिलखुश ऐसा, और इसके हर एक रस में हमें कई रस मिल रहे थे, जैसे अभी मुकेश गौतम जी थे, रोहित शर्मा, और जो दूसरे मैं सिंधी का भी मतलब मुझे इतना समझा नहीं, लेकिन मतलब जो जोश वो कर रहे थे ना, लगा कि हाँ सच में है, और यही सब शान है हमारे देश की, मतलब इनसे हमें जोश आता है, एक मतलब महत्वपूर्ण भावना मिलती है, हमें देशप्रेम की भावना मिलती है और जीवन में आगे बढ़ने का मौका ही मिलता है। और दरअसल में क्या है, जैसे कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो ये कवि सम्मेलन में से होने चाहिए, मतलब लाइव शो होने चाहिए, लोगों को पता पड़ता है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे लोग कैसे हैं, और अच्छी जानकारियाँ मिलती है, मतलब और प्लस प्लस इसके मतलब ये व्यंग्यात्मक है, तो हमें कहाँ पर एक चोट हो रही है समाज को, एक चोट कहाँ दी जा रही है और उसमें क्या बदलाव आवश्यक है, ये भी हमें पता पड़ता है। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा रहा ये, मतलब मेरा एक्सपीरियंस, और मैं तो हमेशा इसको अटेंड करती हूँ, धर्मेंद्र जी कभी छोड़ते नहीं ऐसा मौका मुझे, मतलब कि और ना मैं छोड़ती हूँ, मतलब मुझे जरूर बुलाते सपने में और मैं भी हमेशा रेडी रहती हूँ आने के लिए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और हमेशा आगे भविष्य में मतलब कोशिश रहेगी कि मैं कभी मिस ना करूँ ऐसे कवि सम्मेलन। थैंक यू। ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में पहली बार प्योरली कवि सम्मेलन में जिस तरह से लोगों का समर्थन मिला, जिस तरह से लोग आए, उनको सबको ध्यान में रखते हुए और जैसा लोगों का विश्वास प्यार आशीर्वाद मिला, इसमें बहुत सारे संस्थाएं मेरे स्कूल के सहयोगी मित्र, मेरे जूनियर सीनियर सभी लोगों का इस संस्था कार्यक्रम को सपोर्ट मिला और प्यार मिला, और आगे भी ऐसे कार्यक्रमों को बहुत सारे लोग सहयोग करेंगे। अभी सम्मेलन मुंबई सांस्कृतिक कला मंच और चेंबूर बाल कला मंच, चेंबूर बाल कला मंच जो है बरसों से प्रोग्राम करता है, पर उसमें कितनी बार लोग ऐसे सोचते हैं शायद ये बच्चों का है, तो इस साल से हमने मुंबई सांस्कृतिक कला मंच नाम से ये कार्यक्रम किया है, काफ़ी लोगों का सहयोग है इसमें, सब प्रकार के लोग, सब जात के लोग इसमें सम्मिलित हैं, वो सम्मिलित होने की वजह से ये कवि सम्मेलन में लोगों को बड़ा आनंद आया। इसमें हम लोगों ने सिंधी कवि भी रखा था दीपक वाटवानी करके, बाकी जो कवि हैं जो कार्ड में लिखे हुए सभी कवि लोगों ने बहुत आनंद उठाया, लोगों को चाहिए मनोरंजन और ये हंसने हंसाने का प्रोग्राम था, आप जितना हंसोगे उतना खून बढ़ेगा आपका, तो ये हमने बोला था कि जो भी आएगा वो अपना आए और हंसे और ठहाके लगावे, ठहाके लगाएगा तो आनंद आएगा। उसके बाद सभी लोगों को हम लोगों ने खाने की व्यवस्था की, चाय पानी की व्यवस्था की, सब प्रकार का अरेंजमेंट हम लोगों ने किया, और वो जो सब है लोगों का सहयोग होने की वजह से किया, हमारा टीम वर्क, सब कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, इसलिए ये कार्यक्रम जोरदार हुआ और भविष्य में भी हम अच्छा कार्यक्रम देने का प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छा कार्यक्रम होए, क्योंकि कार्यकर्ता हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं और बहुत मेहनती कार्यकर्ता हैं जो अपना तन मन और धन तीनों चीज़ों से समर्पित हैं, इसलिए कार्यक्रम बड़ा जोरदार, अलग अलग क्षेत्रों से, बोरीवली से भी लोग आए, कांदेवली से भी आए, अंधेरी से आए, काफ़ी जगह से, इसलिए मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करूँगा कि आप भी आने वाले दिनों में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो आप जरूर जुड़िए, इससे थोड़े दिन में हम इसकी मेंबरशिप का ऐलान करेंगे तो सब लोग उससे जुड़ेंगे, और उसके बाद हर प्रकार के कार्यक्रम हम करने का दावा करते हैं, हर प्रकार का कार्यक्रम होता रहेगा, यही है। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम।